हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, आज फिर मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज मैं आलू टिक्की बना रही हूँ, बिल्कुल क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी बना रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए। चलिए, मैंने आलू लिए हैं, यहाँ पे बॉईल किए हुए, ठंडे हैं बिल्कुल। और यहाँ पे मैंने 6 आलू लिए हैं, छोटे बड़े मीडियम साइज़ जैसे को लेना है। और बिल्कुल ठंडे कर लिए मैंने इनको, बिल्कुल ठंडा। चलिए इसमें मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले वाइट नमक, स्वाद के अनुसार नमक लेना है, थोड़ा सा काला नमक, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अगर आपके पास पुदीने के पत्ते, पुदीने के डालिए। मैंने यहाँ पे हरा धनिया लिया है और कुछ एक हल्की तीखी मिर्च ली है। आपको तीखा कम पसंद हो तो कम डालिए। देखिए, कुछ चिली फ्लेक्स डाल देते हैं, थोड़ा सा भुंजा हुआ जीरा 1 चम्मच, और इनको मिक्स कर लेते हैं। और आप आरा रोट डाल सकते हैं, या कुछ मैंने यहाँ पे रवा लिया है जो मिक्सी में चला लिया है। रवे को थोड़े थोड़ा करके अंदाजे से मिला लेंगे इनमें अच्छे से। और ठंडा आलू लेंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। देखिए अच्छे से बन रहा है, फिर भी थोड़ा सा और डाल लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे 1 कटोरी लिया, अंदाजे के हिसाब से डालते हैं। ऐसा नहीं, आप यहाँ पे मैंने मतलब हाथ से लिया है तो आप 4 चम्मच रवे डालिए इसमें। और रवा क्या है, थोड़ा सा हैवी नहीं होगा, और आरा रोट वगैरह हैवी होते हैं तो उनसे क्या है, टिक्की हैवी हो जाती है। ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। और आप देखना, इसी तरीके से बनाएंगे मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा बनेगा। चलिए देखिए, अपना डो बिल्कुल अच्छे से लगने लगा है पूरा, तो इसको कर लेते हैं तैयार। दोनों हाथों से कर लो या एक से, मैं दोनों हाथों से कर लेती हूँ, जल्दी से हो जाएगा। देखिए देखिए, अपना डो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। चलिए पैन गरम करने के लिए रख देते हैं। देखिए पैन रख दिया है, इसमें मैं ऑयल डाल देती हूँ। मैं सैलो फ्राई करूँगी, आप कढ़ाई में भी कर सकते हैं। ऑयल को होने देते हैं गरम। देखिए तेल गरम हो रहा है, जब तक अपन गोले बना लेते हैं। आप देखिए, लोइयाँ तोड़ के इसको बढ़िया गोले बना के आलू टिक्की के लिए तैयार करते हैं। आप कोई गोल बनाना है तो गोल, या थोड़ा सा ऐसे पोस करके इसको बना दीजिए। देखिए इस तरह से सारी टिक्की मैं तैयार कर लेती हूँ। देखिए मैंने टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। और देखिए मैं और भी टिक्कियाँ तैयार कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पे रवे का यूज किया है। अगर आप वो भी चावल का आटा भी यूज करना चाहते हैं तो आप चावल का आटा यूज कीजिए, बहुत ही अच्छी बनती है। देखिए तेल गर्म हो गया है, मेरी टिक्की भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखिए सारी टिक्कियाँ किस तरह की तैयार हो गई, बनके बिल्कुल चिकनी अच्छे से। चलिए इनको ऑयल में डालते हैं धीरे धीरे। देखिए तेल गर्म हो चुका है, और अच्छे से धीरे धीरे केयरफुली इसमें डाल देते हैं। देखिए इनको धीमी आंच पे सेकना है, अच्छे से सिक जाए तो पलट देंगे, हल्का गोल्डन अच्छे से हो जाए, बहुत क्रिस्पी बनेंगी। देखिए अभी आप देखिए अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं, देखिए कितना प्यारा कलर आया है। पलट देते हैं सारी बड़ा टिक्कियों को इस तरफ से, और गोल्डन सेक लेते हैं अच्छे से। थोड़ी देर इनको भी हल्की आंच पे सेक लेते हैं। चलिए टिक्कियाँ सेक चुके हैं, सारी टिक्कियों को बाहर निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए टिक्कियों ने कितना अच्छा कलर दिया है। चलिए इनको तैयार कर लेते हैं प्लेटिंग के लिए। देखिए टिक्की कितनी अच्छी लग रही है, सॉस के साथ खाइए, ग्रीन चिली के साथ, मतलब किसी भी चटनी के साथ आप खा सकते हैं। देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी, कितनी क्रिस्पी बनी है एकदम से, आपको आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी है। आप बना के बताइए मुझे आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।